सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इस नाम से जुड़ना कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता, इस नाम से जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सर आपके? मैं अभी 15 साल हो गए काम कर रहा हूँ और कई लोगों को मिला है, और जब भी मैं देखता था कि उनको मिला है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी एक ये अवार्ड मिलना चाहिए और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा। तो आई थिंक फाइनली वो मेहनत रंग लाई है, एंड ऑफ कोर्स लोगों का प्यार होता है, जब तक वो आपके काम को सराहते नहीं है यू नो ये अवार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है। सो मैं सब ऑडियंस को थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने साल साथ दिया, यू नो शोज़ को हिट बनाया, और साथ में मीडिया वालों का भी साथ बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज यू नो अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वो एक एक्टर के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव एंड नाइस टूवर्ड्स मी, एंड यस दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड मुझे हमेशा चाहिए था, एंड आई थिंक गॉड्स बीन काइंड एंड फाइनली ये मुझे मिला। यही कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखूँ, और जो भी किरदार मुझे मिले उसे ईमानदारी से निभाऊँ, चाहे वो मैं कभी होस्टिंग भी कर रहा हूँ तो बहुत दिल से करता हूँ और बहुत मज़े से करता हूँ, और जब मैं कोई किरदार करता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि आप ऑडियंस को एंटरटेन करें और यू नो सेट पे प्रोफेशनल रहें। सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट इन द ईयर्स टू कम। देखिए ये मेरे साथ नागिन से होता आ रहा है अभी तो 5 आ गया, लेकिन अभी इट्स लाइक वो पहली चीज़ जो होती है वो पहली होती है, एंड वो लोग यू नो वो उनके माइंड में रहता है ऐसा, लेकिन आई एम श्योर जो किरदार बाद में आते हैं या सीज़न 2 में आते हैं या 3 में आते हैं, दे आर ऑल्सो पुटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, और उनके अपने उनको पसंद करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, बस हम थोड़े नंबर्स में फंस जाते हैं, लेकिन आई थिंक एवरी वन इज़ डूइंग यू नो अ ग्रेट जॉब, एंड एवरी वन वॉन्ट्स कि उनका सीज़न सबसे ज़्यादा हिट हो, सो ऑल द बेस्ट टू यू नो ऑल द एक्टर्स। जी नहीं, या यू विल गेट टू नो इन द यू नो अभी कुछ चल रहा है, आने वाले कुछ समय में आप सबको जब वो आएगा आपको पता चल जाएगा, बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज 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 बीइंग सो नाइस टू मी। थैंक यू। अच्छा ये कब किसने बोला मैं फ़ैन हूँ? मेरे ही मुँह में वर्ड्स डाल रहे हो सारे। हाँ लेकिन है बिग बॉस, अच्छा है, मतलब अच्छा शो है। हाँ देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने देखा है। सभी लोग हैं यार, मतलब मैं तो सभी को जानता हूँ, इजाज़ है, जासमीन है, रुबीना है, अभिनव है, आई मीन देर आर सो मैनी, अली है, तो सब लोग मतलब इतने साल से अभी जानते ही हैं, सब साथ में कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है, और बिकॉज आई ऑल्सो होस्ट, तो किचन चैम्पियन पे भी बहुत सारे यू नो लोग आए हुए हैं, बट कविता भी है, मुझे लग रहा है कि सभी अच्छा खेल रहे हैं, और जासमीन बहुत क्यूट लगती है, वेरी स्वीट चीज़, एंड रुबीना तो मुझे ये दूसरा ही रूप दिखा है रुबीना का, बॉस का एकदम, आई लाइक इट, एंड या आई लाइक इट, वाई नॉट, आई थिंक सी एवरी वन, देखो वहाँ उस घर में जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप जो बाहर होते हो अंदर जाके एकदम अलग होते हो, क्योंकि अंदर की सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं, सो यू कैन नॉट जज देम, एंड सो उनको प्यार दो, उन एंटरटेन हो जाओ उस रात को, एक घंटा देखो देखो कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, और बाद में सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत उस बारे में।